स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। विपक्ष तो बोलेगा, आपको सुनना होगा। संसद में हंगामे के लिए ओवैसी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। संसद के मॉनसून सत्र के बार बार स्थगित होने के साथ एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मौजूदा गतिरोध के लिए नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि संसद में कामकाज नहीं होने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हैदराबाद के सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दल पिगासस मुद्दे, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत, किसानों के आंदोलन सहित कई मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पिगासस मामले की हो सही तरीके से जांच, जनता दरबार के बाद बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर यह मामला उठा है तो इस पर सही तरीके से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा केस आए तो जांच करा देनी चाहिए। किसी के फोन के साथ अगर टैपिंग हुआ है तो वो गलत है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पटना में होगा पक्का आशियाना। नीतीश सरकार की ऐसी है तैयारी। बिहार की राजधानी पटना में नगर निगम के जमीन पर रह रहे शहरी गरीबों को नीतीश सरकार बहुमंजिला इमारत में शिफ्ट कराने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके तहत हर झुग्गी झोपड़ी वालों को एक फ्लैट दिया जाएगा। पिछले दिनों सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस बाबत जानकारी दी थी। हालांकि यह कब तक लागू होगा इस पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। नीतीश के पीएम मटेरियल पर एनडीए में रार, जेडीयू के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सीएम नीतीश पीएम मटेरियल हैं। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान के बाद एनडीए में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक देश में पीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जेडीयू के लिए पीएम मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन एनडीए के लिए नहीं हो सकते। पीजी विभागों के पास चौक डस्टर तक खरीदने के नहीं है पैसे, पिछले 2 साल से नहीं मिल रही कंटीजेंसी राशि। टीएमबीयू के पीजी विभागों को 2 साल से कंटीजेंसी राशि नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। विभागों के पास चौक डस्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। विश्वविद्यालय के कुछ विभागों को कंटीजेंसी का पिछले बकाया राशि भेजी गई है, लेकिन अधिकतर विभागों को यह राशि नहीं मिली है। कई विभागों के हेडों ने नाराजगी जताई है। विभाग के हेडों ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ विभागों को छोड़ बाकी विभाग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर पीजी के हेडों ने बताया कि उनके विभाग को 2 साल से कंटीजेंसी की राशि नहीं मिली है। विभाग के शिक्षक चंदा कर खुद साफ सफाई करते हैं। कटिहार के मेयर की हत्या का मुख्य आरोपी सिलीगुड़ी से गिरफ्तार। रंगदारी के लिए एक डॉक्टर को मारी थी गोली। बिहार के कटिहार के मेयर की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस की मदद से उसे उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी जिला से रविवार को गिरफ्तार किया गया। रविवार की रात को ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार भेज दिया गया। सिलीगुड़ी पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 12 बदमाशों के एक समूह ने 29 जुलाई को बिहार के कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मेयर की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया था। यहाँ तक की विधानसभा में भी एक दिन पूरा कामकाज ठप रहा था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन में सरकार से जवाब मांगा। भागलपुर में मुख्य सड़क के निर्माण को मंजूरी, 9 करोड़ की लागत से बनेगा दोगच्छी से 0 माइल तक रोड। NH-80 के दोगच्छी से 0 माइल के बीच शहरी हिस्से की सड़क PWD को मिलने के बाद इसके निर्माण पर हेडक्वार्टर की मोहर लग गई है। PWD विभाग सड़क का निर्माण कराएगा, करीब 9 करोड़ खर्च आएगा। सड़क का निर्माण ठेका एजेंसी करेगी, 9 माह का समय निर्धारित है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दुर्गा पूजा से पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। PWD ने टेंडर निकाल दिया है। टेंडर निकालने के बाद इसमें थोड़ी बहुत बदलाव किया है। जनता दरबार, महिला फरियादियों की शिकायतों पर एक्शन में नीतीश कुमार, फौरन कार्रवाई का आदेश। मुख्यमंत्री जनता दरबार में कार्यक्रम के तहत आज सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान कई जिलों के फरियादी अपनी अपनी शिकायत लेकर आ रहे थे। मुख्यमंत्री शिकायतों को सुनकर उसके निपटारे के लिए अधिकारियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं। बिहार बॉर्डर के रास्ते नेपाल से जाली नोटों की तस्करी। पुलिस ने 9 लाख की फेक करेंसी के साथ 8 लोगों को दबोचा।
नेपाल में बैठे सिंडिकेटों द्वारा बिहार के समवर्ती जिलों में नकली नोट सप्लाई करने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 9 लाख रुपए के जाली नोट के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास जाली नोट के अलावा 9 लाख रुपए की नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। पुलिस टीम ने तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो व 50,000 रुपए असली नोट बरामद किए हैं। जब्त नकली नोट 100-100 के हैं। पकड़ाए तस्करों की निशानदेही पर रविवार देर रात तक सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज और मोतिहारी जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी जारी थी। एसएसपी जयकांत ने जाली नोट बरामदगी की पुष्टि की है। वहीं पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। 9 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे पटना के ऑटो और बस स्टाफ। पटना जंक्शन टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में ऑटो चालकों की रविवार को सभा हुई। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में 30 सितंबर को डीजल ऑटो को पटना शहरी क्षेत्र से बाहर करने, सीएनजी ऑटो को शहरी क्षेत्र का परमिट देने एवं सीएनजी गैस की किल्लत को दूर करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसमें ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने ऑटो चालकों के ज्वलंत समस्याओं पर प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार का ध्यान ऑटो चालकों की समस्याओं की तरफ आकृष्ट करवाने के लिए 9 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल पर जाने की बात कही है। हाजीपुर, राजगीर और गया में इसी माह से बनेगा सीएनजी स्टेशन। अब जेपी सेतु होकर जाएगी बसें। हाजीपुर, राजगीर और गया में इसी महीने सीएनजी स्टेशन का निर्माण शुरू हो जाएगा और इसे सितंबर अंत या अक्टूबर के प्रारंभ तक पूरा कर लिया जाएगा। इन तीनों जगहों पर सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन के बन जाने से पटना से राजगीर होते हुए गया और हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा शुरू हो जाएगी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जोर नहीं पकड़ रहा टीका अभियान। 30% से भी कम हुआ वैक्सीनेशन। पटना शहरी क्षेत्र में 89% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके बाद कोरोना की संभावित तीसरी लहर में स्थिति को बिगाड़ने से रोका जा सकता है। दूसरी ओर पटना के ग्रामीण क्षेत्र में 30% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। माना जा रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में ही फैलेगा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।